वेल, सीरियल देवांशी में देवांशी ने स्पाई कैमरा की मदद से कुसुम सुंदरी का किया पर्दाफाश, तो वहीं देवांशी चाकू लेके आगे बढ़ती है और कुसुम सुंदरी के माथे का टीका निकालकर उसे दिखाती है। उसमें छुपा कैमरा देख कुसुम सुंदरी का हो जाता है बुरा हाल। वो मदद के लिए मोहन माखन की तरफ देखती है, लेकिन उस वक्त माखन ने भी नहीं दिया कुसुम सुंदरी का साथ और वो वहाँ से हो जाता है फरार, जिसे देख कुसुम सुंदरी हो जाती है शॉक्ड। वो मोहब्बत ले आती थी उसे, बट कुछ भी कहिए, मोहब्बत वोहब्बत सब चले जाती है घास चरने जब इंसान के खुद पे बनाती है तो। और वो वापस दोबारा जेल नहीं जाना चाहता, तो उसका यही है कि यार अगर मैं बच गया तो मोहब्बत कर लूँगा और डेयरिंग करके वापस आ जाऊँगा मिलने कुसुम से, लेकिन अगर मैं बच ही नहीं पाया तो फिर जेल में तो वो तो नहीं आने वाली मिलने, तो बेहतर है कि मैं ही भाग जाऊँ। सीरियल देवांशी में जहां देवांशी ने अपनी सूझबूझ से सबूत इकट्ठा करके कुसुम सुंदरी को फंसाया अपनी जाल में और गांव की पुलिस से नहीं बल्कि शहर की पुलिस की मदद से शातिर दिमाग माता कुसुम सुंदरी को पहुंचाया हवालात में, अब देखना दिलचस्प होगा कि माता कुसुम सुंदरी अब जेल में बैठकर कैसे रचेंगी फिर साजिश देवांशी के खिलाफ। फॉर ऑल द गरमागरम बॉलीवुड गॉसिप न्यूज़ एंड मोर, डाउनलोड द ज़ूम ऐप नाउ।